दिल का आज पेपर है सोशल स्टडी का। दिल नाश्ता कर रही है, बड़ा ही ओखा नाश्ता कर रही है। ना चेहरे पर स्माइल है, कुछ भी नहीं है, बहुत ही संजीदा है। देखो आज मुताले पाकिस्तान का पेपर है, की बनता है। हेलो, आज पेपर, हाँ दुआ करिए लंच पेपर। पेपर की वजह तो फिर कल बस वो भी तैयारी शैरी च मसरूफ रही, कुछ होया ही नहीं। बस मैं पढ़ता हूँ, प्रेस करना से मैं किसी तेरा कहते प्रेस करती हूँ। कल बल्ब साढ़े फ्यूज हो गए, बल्ब लगाए उन्हें लत्तां कंबी जान पर कादा सर छोटी है ना, इतने मैं रखा टेबल के उपर, फिर मैं ना चढ़ाया उपर, फिर अभी फिर बल्ब लाए। लेकिन बिल्कुल भी पल, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से हैं। एक अल्हम्दुलिल्लाह खूबसूरत दिन चला गया, एक और खूबसूरत दिन का आगाज़ हो गया। सुबह दिल आज माशाल्लाह दिल का पेपर था, दिल तो जा चुकी पेपर देने के लिए, बड़े सड़े हुए मूड में से नाश्ता किया। तो मैंने अभी आपको दिखाया कि मैंने पर्दा डालना है, उसको प्रेस करते हैं, पर्दा डालते हैं और बाकी के काम भी देखते हैं। मैं चलो थोड़ा सा फ्रेश होकर पे तरह दुआ सलाम कर दें। तो इंशाल्लाह आज का दिन बड़ा अच्छा गुजरेगा। अगर अपने रूटीन की तरफ जाते हैं तो हाँ, उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको फटाफट से कर लें, ताकि हमारा हर नया आने वाला व्लॉग और नया व्लॉग आपके साथ शेयर हो होता और आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो जनाब इसमें आपका कोई खर्चा वर्चा नहीं आएगा, तो आपकी नवाजिश होगी, आप हमें सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, तो चलते हैं अपने सारे बाकी कामों को चेक एंड बैलेंस देखते हैं क्या हो रहा है, क्या नहीं। काम वाली काम कर दिया तो वो अभी लगी हुई है किचन में। तो मैं क्या, मैं ज़रा अपनी टीम देख लें, आपने अपना थोड़ा सा ज़रा फ्रेश फ्रुश कर लिए, ज़रा अच्छा लगता है, ज़रा बंदा फ्रेश हो जाता। नाश्ता टाइम जी, चाय भी बन गई, स्लाइस भी गर्म हो गए। साड़ी फोजे भी सड़न चाय पी रही है। साड़ी फोजे भी दील वर्गी हंसदी। ये मार्केट से चने और लोबिया लाई थी, देखे यार ये होल आपने देखा, ये माशाल्लाह से ये पैकिंग वाले जी, ये साफ़ सुथरे पैकिंग वाले खरीदे, उनके भी ये हालात हैं। ये मैं निकाल रही हूँ उसमें से, ये देखिए, ये इससे पहले मैं लाई थी, मैंने पैकेट ही नहीं खोले ना, तो आज मैं क्या चलो खोल दी थी कि मिक्स किए हुए ने बच्चे ख़राब बच्चे ही सही। किचन में कहीं ये हाथ में पैकेट लग गए, मैं क्या चले इनको खोल कर चेक कर लूँ, इनसे खोले नहीं, इससे पहले लेकर आई थी मैं, तो ये खोले हैं तो आधे ख़राब हैं, आधे मिक्स सारे किए हुए हैं, ख़राब भी और सही भी, बल्कि ज़्यादा ख़राब भी अच्छे वाले काम है। मैं क्या चलो चुन लेनी हूँ, अब उन्होंने तो पैकेट वापस ले लेने हैं। अब मैं किचिंग पर जाने से पहले मैं क्या चलो बाकी काम पहले ना देख लिए। हाँ जी मानो साहब, बस साड़ी शब्बू भी आ गई, शब्बू 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 शब्बू, हाँ जी हाँ जी, हाय बोलो सबको। जब हदील चली जाती है तो शब्बू बच्चा हमारे पास होती है, गाँव वाले भी काम करके चलेगी, बड़ी उदासी से हो जाती है घर पर। फिर चले हदील भी आने थोड़ी देर में आ जाएगी। हाँ जी शब्बू सफाई करा, मानो दे काम देख, ये इस तरह कढ़न दिया फिर उन्होंने खेली जा रही। मेरी कमा जजा ही करेगी, ये कटांदी नहीं है। उसमें आप लेके आती परात में, फिर इसमें से थोड़े से दाने निकालते टेबल फेंक देती है। मानो शब्बो इधर, मिट्टी क्या कर रही हो मेरे साथ, ये लोबी और चने की सफाई करवा रही हो, देखो इधर सफाई हो रही है। हेलो जी, अब शब्बो खा रही है जी गर्मा, मैं गर्मा काट के रख रही थी तो ये आ गई भागी भागी, मुझे जी गर्मा खिलाएं, उतने मज़े से खाती है ना ये गर्मा, ये देखें ज़रा। हाय हाय हाय, आ गई हदील जान पेपर देख के आ चुकी है, मगर हमने इसको हाँ नहीं, हम इसको इसने जो सूट नया पहना था हम इसका आपको ऑल ओवर लुक दिखाएंगे। मैं क्या दोबारा सूट पहनी, टूट पड़ी है जो कल हमने डिशेस बनाई थी, ये तो थोड़ी हमारे पास्ता जो था थोड़ा ख़राब हुआ, ऑयल में वाकई इसमें ऑयल डालना भूल गई बिल्कुल, और अब मैंने इसको ठीक किया है और ये हमारी रेसिपी बड़ी अच्छी बनी थी। इसे तो रात खाया नहीं मैंने, खा लिया था लेग पीस, और ये शब्बू हमारी शब्बू शबूड़ी जो है ना ये आ गई अपने हिस्से के खा के, ये मेरा भी थोड़ा सा काम रहता है। हाँ जी अब कैसा लग रहा है पास्ता बताओ? हाँ लेकिन अब ज़्यादा थोड़ा मैंने फिर इसमें सॉल्ट डाला है, नहीं भाई सानू आते फीके फीके पास्ते पसंद नहीं आते, और साथ में रखा मैंने इसके लिए काट के गर्मा, ये भी पेपर दे के आई थी थोड़ी देर पहले, देसी लोग हाँ देसी लोग होने का मूड सही, सुबह बड़ी सड़ी हुई सी वैसे।
तिया पांचा लेग पीस का हो चुका है। कैसा है? किसा टेंडर बनाया ना, बहुत ही सॉफ्ट और जूसी जूसी था। आ देखो जी सिर्फ हड्डी अच्छी तरह सफाई कर ली। मम्मी पास्ता मंगा था, इसने तो खाया नहीं, मैंने सारा खा लिया। मज़े का लग रहा था जब मैंने इसमें ऑलिव शामिल किया है, थोड़ा सा मैंने चीज़ और डाला है तो और मज़े का हो गया। वाह जी वाह, वाह जी वाह जनाब। हाँ जी, ये जब पेपर देखे ना तो उसने अपने कपड़े चेंज कर लिए थे। मैं कही यार अपने सूट थे पूरा बखा, ये देखिए देखिएगा माशाल्लाह इसको बहुत प्यारा लगा। सुबह इसके चाचू भी है, वो भी इसकी तारीफ कर रहे थे, कहते सूट तो बहुत प्यारा है मगर हदील अंदर सड़ी हुई है। ऐसे सुबह तो बड़ी सड़ी। अब इस तैयार श्यार लड़की पर धूप पड़ रही है क्योंकि पर्दा नहीं डला हुआ। तो मैंने आपको सुबह बताया था कि हमने पर्दा डालना है, तो ये तैयार श्यार लड़की जो है ना ये मेरी हेल्प करेगी पर्दा डालने। क्यों भाई पर्दा डलवाने? प्लीज़ प्लीज़ मेरे से वो नहीं बेंच पर चढ़ा जाएगा ना, क्या माथे पर तेरे धूप का निशान आ रहा है। हाँ 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 चलो तो गर्म डाले वरना कमरा में गर्म तपता रहना। दिल जान ने डाल दिया पर्दा। हाँ सारा बैलेंस कर दो। सदा हो रही थी लेकिन बहादुर बच्ची बन गई है। कल कल बल्ब लगाते हुए बड़ी खौफजदा हुई है दिल, मगर अब खौफ उतर गया। बस पेपर खत्म होता तो गेम ते लग जाती है, फिर गेम तो दिल भरता है तो फिर पेपर तैयारी शुरू कर दी। बाकी और काम से हेल्प नहीं करनी मिली। करती तो कल भी खाने में मदद की तो थी। हाँ खाना खाने में बड़ी तो मेरी मदद की थी। मैं सोच रही हूँ आज फिर केक बनाऊ दिल जान। ये जो भगवान का टेम्परेचर का ना मैं समझ ही ऐसे आनी। प्रीटी मारी प्रीटी डोल लड़की जो है बना रही है अपने लिए पैनकेक्स। ये बहुत अच्छे पैनकेक बनाते हैं, चॉकलेट पैनकेक। हाय अल्लाह, हाले भी सदमे ची नहीं। तो फिर क्या बात है? मैंने बनाना था केक, मेरा सारा कुछ ओवे पिया हुआ था, दिलजा ने पैनकेक शुरू किया क्योंकि मम्मा आप ही से बात कर। अल्लाह की कॉल आ गई थी तो उस पर मैंने काफ़ी ऊपर से दिखाते हैं जनाब ये हो गया है। हाँ अब इसको चेंज कर। हमने मैं कह रही थी कुछ मीठा बनाएंगे तो दिल ने डिसाइड किया कि हम बनाते हैं ये में से कुछ बनाए, तो इसने तो बना लिया पैन केक स्टार्ट कर दिए। मैं सोच रही थी विदाउट एग एगलेस केक बनाते हैं क्योंकि मैंने ना असल में इसकी जो ओवन की हीट और उसकी टाइमिंग एडजस्ट नहीं हो रही थी तो कुछ सही बस केक जल रहा है थोड़ा सा ना ऊपर नीचे से फूलता है फिर थोड़ा सा। जनाब आज हमने आग हल्की करके थोड़ा टेम्परेचर चेंज करके ये पक तो गया है, ये देखिए ना ये पक गया है, लेकिन अभी भी हमारा जो ओवन की ना ये जो हीट है ना ये नीचे से भी जला है और ऊपर से भी थोड़ा बैठ गया तो हाँ पक गया है। ठीक है ये तकरीबन 20 मिनट में बेक हो गया है, 20 मिनट में। तो हमने आज रखा था 150 पे, कल या परसों फिर केक बनाएंगे वो हम रखेंगे 150 से कम टेम्परेचर पर गर्म करेंगे फिर को ट्राई करेंगे। हमारा बड़ा ही तंग रन दिया वो ओवन सेटिंग नहीं थी, मेरे को हाली तरह सही हो जी। दूसरा केक भी थोड़ा जो नीचे में जल गया ऊपर ब्राउन हो गया तो ठंडा करके फिर दिखाएंगे अंदरों का। तो खाना शुरू कर दिया है। आज हमने बनाया कुछ नहीं, चने पड़े थे हमने बनाए थे चने पोटे, पोटा बेक रह गया क्योंकि इसमें जो बाकी था ना ये जो सामने नीले सूट में ऑरेंज फ्लेसेस में जो लड़की बैठी चोरनी मैंने तो नहीं खाया। हाँ ये ठुंगियाँ मार के ना जो पोटे थे ना दो तीन बेचारे पड़े हुए तो ये खा चुकी है पहले। आपने ना मुझे यूट्यूब पर ठुंगियाँ वाले मशहूर कर दिया है तो ठुंगियाँ मार। अच्छा जी मीठे में मैंने कहा था आज हम कुछ मीठा बनाएंगे तो हदील कहती मैंने पैनकेक बनाने हैं। हदील जान के तो पैनकेक बहुत 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 माशाल्लाह से अच्छे बने हैं लेकिन जो हमारा केक है केक तो ठीक रहा है, देखिए ना ज़रा केक ठीक है लेकिन वही हमारे जो हीट का प्रॉब्लम हो रहा है एडजस्ट नहीं हो रहा तो मुझे लगता है मुझे थर्मामीटर लेना पड़ेगा। तो मुझे तो वैसे एगलेस केक मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया है, मैं तो देखते हैं कैसा बनता है। ठीक बन गया है, अगर आप खुद एगलेस केक ट्राई करें ना तो प्लीज़ आप इसको थोड़ा सा क्रस्ट दें थोड़ा सा पकाएं ऊपर से नीचे से क्योंकि अंदर से ना ये मुझे ये चुई चुई क्या चुई चुई सा होता है ना तो
मैंने पहली दफ़ा ट्राई किया, मैं कहा ट्राई करते हैं आपके साथ शेयर करते हैं, तो ओवर की हीट में मैंने चेक करनी थी, तो वो थोड़ा सा हमारा ओवर कुक हुआ है, यानी कि ऊपर से भी हो गया ब्राउन और नीचे से भी और सेंटर से फूला तो है वैसे। चले इंशाल्लाह जब तीसरा केक बनेगा ना, मेरा ख्याल है काफ़ी बेहतर बनेगा, तो मैं भी खाना खाना शुरू करती हूँ। हम इंजॉय करते हैं अपने परसों में ये एक दिन पहले बनाए थे हमने चने, अपने चने खाते हैं और साथ अपना ये जो थोड़ा सा ब्राउन हुआ केक उसे इंजॉय करते हैं मीठे में। इजाज़त चाहते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग नेक्स्ट किसी रेसिपी के साथ मिलेंगे, तो इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। हदीजा ना भी अल्लाह हाफिज़ बोल दें।